गाइस गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी गर्मा गर्म बन चुके हैं आलू के परौंठे। तो भाई जिसको मोटा होना वो मेरे को फॉलो कर ले, ठीक है? जो अभी पतले हैं, मोटे वाले मेरी डाइट पे ध्यान मत दे, क्योंकि आप अगर ये आप देख रहे लग रहे हो तो आपको मन करेगा खाने का भाई। तो हम तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बट है मैं भी मोटा हुई हूँ। तो चलो अब देसी घी के साथ खाते हैं आलू के परौंठे। मोटा होना बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। आलू के परौंठे सुबह सुबह खाओ, तीसरे चौथे दिन देसी घी के साथ मक्खन के साथ, तो जल्दी मोटे हो जाओगे आप। तो अभी मेरे को लगता है भूख, तो अभी जस्ट अभी नहा के मैंने बैठा हूँ मैं चेंज करके, तो मेरा ड्रायर ख़राब हो गया है। अब देखते हैं नया वाला ऑर्डर करते हैं, और आज कटिंग भी करवानी है। तो चलो आप खाना खा के चलते हैं सीधा खेत, दिखाते हैं आपको खेत का व्यू। तो जिसको फिट रहना है ना सुबह सुबह, अगर तो कहीं पास में जाते हैं तो साइकिल से यार दोस्ती कर लो। तो साइकिल आपको जो ये गोड्डे वगैरह है ना, पैर वगैरह आपके बिल्कुल उसके साथ पूरी बॉडी चलती रहती है। तो खेत में भी मैं तो बहुत चल लेता हूँ। अगर आपको चाहिए कि हमें चलने के लिए टाइम नहीं लगता, क्योंकि जाते हैं लोग गाड़ी में, गाड़ी से सीधे ऑफिस, ऑफिस से फिर गाड़ी में फिर घर, तो थोड़ा बहुत साइकिल ले लो, एक दो राउंड लगाए, दिन में बहुत होते हैं। तो अभी पीछे चिड़ियाँ बोल रही हैं सुबह सुबह। ये है गांव की लाइफ में, ये है कि आपको बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ सुनने को सुबह सुबह मिलती है, और ये हरियाली आपको दिखने के लिए मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास किचन गार्डन है तो भाई उसको रेडी करें। तो आपको मैं पौध दिखाने वाला हूँ आगे, पौध क्या आपको ऐसे बता देता हूँ। अब आप बेल लगा सकते हो बैंगन, बैंगनी, बैंगनी में आपको चार तरह, बैंगनी में आपको बहुत तरह के कलर मिल जाते हैं, और उनके डिफरेंट डिफरेंट फ़ायदे होते हैं, ठीक है? कलर वह फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है? अलग अलग होते हैं, तो उनका अलग अलग टेस्ट होता है और फ़ायदे भी अलग होते हैं। सबसे पहले आ गई नीली बैंगनी, हरी बैंगनी, वाइट आ गई, उसके बाद गुलाबी आती है एक, वो हमारे पास है सनग्रो कंपनी की। तो मतलब हमारे पास हाइब्रिड सीड्स होते हैं, जो एक प्लांट ही कई प्लांट का मुकाबला करता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ज़मीन को खाना दे रहे हैं। देखो ये मैल है, ये पोल्ट्री फार्म वाली मैल है। अगर आपके घर में किचन गार्डन है तो आप एक बोरू, जैसे इतनी जगह में आप एक बट्ठल डाल लो ना, तो बहुत होगा आपके लिए। तो इसमें जो पौध वगैरह बहुत बढ़िया उगते हैं मतलब चलते हैं, क्योंकि इसमें हीट होती है, सारे तत्व होते हैं इसमें, अन्न वगैरह की जो खाद होती है वो होती है इसमें, बढ़िया चलता सब कुछ। और ये रहे हमारे हरे हरे प्याज, अब इसकी गडाई होने वाली है। इसमें से घास देखो कितना सारा हो गया है, ये निकालना पड़ेगा। अब इधर लगा हुआ बरसीन, बरसीन जो मतलब मज्जा गावान पाते असी। तो ये लगी हुई है एक गोभी का फूल, देखो इसके अंदर गोभी का फूल हो रखा हुआ, अभी बन रहा है ये, शाइन कैसे मार रहा है ये, देखो इसके पत्ते भी शाइन कैसे मार रहे हैं। मैं अपने ब्लॉग में आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पर यार मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ऐसे फिर, क्योंकि कुछ ना रोज़ की रोज़ मैं आपको कुछ नया चीज़ दिखा सकता हूँ, ऐसे में बहुत लंबा बहुत हो जाता है। तो आज फिर मौसम बहुत अच्छा है, हमारा तिरंगा जय हिंद। तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है आज। पहाड़ों में ये होता है कि बादल दिखते हैं ऊपर ऊपर, यहाँ क्लियर पूरा मौसम दिखता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, तो देखते हैं अब कटिंग करवानी पड़ेगी। बाल बहुत ही बिखरे हुए लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं मतलब ना ऐसे जैसे आजकल रखते हैं लड़के। तो अभी अब मैं पी रहा हूँ दूध, सुबह मैंने परौंठे खाए थे, अब मैं मतलब लंच नहीं करूँगा तो दूध पी रहा हूँ अभी। और हल्की हल्की धूप बिल्कुल अच्छी लग रही है, और बैक साइड में अभी सफाई होने वाली है। तो बिकी नहीं दिखा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये आम का पेड़ है पीछे,
बाद में दिखाऊंगा। तो अभी दूध पीते हैं और चलते हैं खेत को। तो अभी हम आ चुके हैं कटिंग करवा के और हमारा सुंदरू आया है बानिक। बिस्किट कितने है? बिस्किट ले, ओपन कर दूँ। बिस्किट कितने है? कर दूँ ओपन, कर दूँ। मैं गिच्छू है, देख गिच्छू। तो अभी चल रही है चाय। हाँ जी, हाँ जी, शर्म आ रहा है। मुंह खोल लिया। मामू जय कर दो, मामू नो जय करो फटाफट। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। एडे एडे हो जो। कैसे करेंगे करके बताओ माम। नैनू को जय करके बताओ कि मामू को कैसे जय करोगे, क्या करके बताओ मामू को कैसे करेंगे। ऐसे पाइनएप्पल, गुआवा, कीवी, टाइगर, चीता, लायन, लायन, नानी, कैट, कैट, डॉग, डॉग, और क्या नाम था? एलिफेंट बोले, बोलो आप। एलिफेंट, 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 हाथी, क्या है ना? हाथी, हाथी ये बोला है, जैसे वो एलिफेंट बोल, हाथी बोल रहा है। एलिफेंट? क्या बोले हमने? हाथी? शर्मा आ गया। कौन है नानू? किथे किथे नानू? नानू जय करो, जय करो नानू नू, नानू नू जय करो, जय करो पहला नानू नू, जय करो, जय भी करो, जय भी करो नानू नू। हाँ, गुड बाय, गुड बाय, जय। कद आया वो चाचू पी के, मैं कहता हूँ दंदू है, दंदू पूरे है। चलो तो कुर्सी बना जा। अज फॉर्मल पाई भी साफ बने वा, पेंट कमीज है पाई भी ने। बैठ कुर्सी पर। खान दंद पूरे है। छोड़ देना उन्हें, जोर लाएगा था पूरा, पक्का होना दाना वो। आंधे गेड़ा देता मैं है चने का। नमक नहीं, खट्टापन ज्यादा होना। हाँ, मुझे बोल रहा है कि घूमना है, इधर लेके चलो, उधर लेके चलो। चलो आ जाओ। क्या रेंच भी नहीं बढ़ता, बन्ने बन्ने ऊपर हो जाओ, ऊपर ऊपर चढ़ जाओ। अच्छा, ये तो इसको ये एरिया अच्छा लगता है क्योंकि ये खुद तो रहता है शहर में, गांव अच्छा लगता है इसको। एवानिक मस्ती कर रहा पूरी। हाँ, डिस्क 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 डिस्क। कितने होनो तो अगेन होना, अगेन नहीं चलना। आजा फिर चलिए। तो अभी मैं उसको घर छोड़ के आया हूँ क्योंकि यहाँ पे खेत में ना हवा बहुत ठंडी चल रही है, तो घर छोड़ के आया हूँ। और नानू के हाथ पहले पैरी हाथ लगा के फिर नानू के साथ बैठ के उसने चने खाए खूब, जब तक नानू के साथ ख़त्म नहीं हुए चने। तो
उसके बाद मेरे साथ घूमा और अब मैं घर छोड़ के आया हूँ। बस बोलता रहता है नानू नानी, जब अपना मन होता तो अपने आप बोलता रहता है। तो चलो अब छुट्टी करते हैं बाबा की भी अपनी भी यहाँ से और चलते हैं अब घर। पीछे देख सकते हो ये ना, अच्छा लग रहा है ना, देखो सूरज देवता डूबने वाले हैं, अपने घर जा रहे हैं और चंदा मामा आने वाले हैं, यहाँ पे होंगे कहीं आसपास ही, आज नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी चुपका यहाँ पे सो गया है आराम के साथ। तो चलो अब इसको देखते हैं कब उठेगा, फिर बाद में सोएगा, 2:30 बजे। तो अभी अपना रेस्ट कर रहे हैं सब। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। इसमें आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।